मैं दोस्तों भाग अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद करता हूँ। तो अब मेरे ना ग्रेप्स पकने लग गए हैं, तो ये देखें, तो अब इन पे ना बर्ड्स अटैक करने लग गए हैं, जो उनसे बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं ना, उन पे अटैक करने लग गए हैं बर्ड्स। तो अब मैं इस पे कवर करने लगा हूँ, आज तो उसी की आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए, अब इनके कलर चेंज होने लग गए हैं, ये देखिए, अब ये मोटे भी होने लग गए, साइज भी और कलर भी चेंज होने लग गए, काफ़ी सारे लग गए हैं। अब इन पे ना एक शॉपर भी लगा सकता था मैं, लेकिन इतने सारे शॉपर मेरे पास है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ग्रेप्स हैं, तो ये शायद 50-60 से भी ज़्यादा गुच्छे हों, तो इतने शॉपर नहीं है मेरे पास। ये देखिए, हर जगह ग्रेप्स ही ग्रेप्स हैं, ये देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पे कितने ग्रेप्स हैं, ये देखिए, यहाँ पे अभी कच्चे हैं, वो देखिए, ये यहाँ पे भी हैं पड़े, तो बहुत सारे ग्रेप्स लगे हैं मेरे। तो आज मैंने इनको वो करने लगा, क्योंकि ना क्या कह रहा है परिंदे, मैं आपको दिखाता हूँ किसी पे शायद, क्योंकि मैं काफ़ी सारे जो उन्होंने ख़राब किए थे ना तोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर ना तोड़े ना उनके तो वो होल करके चले जाते हैं, और उस होल से ना फिर अंदर कीड़े पड़ जाते हैं ग्रेप्स में ना। तो अभी फ़िलहाल ये बच्चे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना इनके खाल ऊपर से मोटी है, ये जो मेरे ग्रेप्स वाइन है ना, तो काफ़ी सारे मैं तोड़ के, वो दिख नहीं रहा कि कोई हो। ये देखिए, सारे सही हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं तोड़ दिए हैं। वो देखिए, एक वहाँ पे मुझे नज़र आ गया, लेकिन तो दूर है। तो ये होल कर देते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है ग्रेप ना, ख़राब होता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये देखिए, ये ओपन जगह थी ना, ये देखिए वो गिर भी गए। तो मैक्सिमम जो ख़राब किए ना, वो ऊपर ऊपर जो दिख रहे थे ना उन्हें बैठ के, तो वो किए। देखो यहाँ कितने सारे गुच्छे लगे हुए हैं, भरा हुआ है गुच्छों से। तो यहाँ पे भी देखें, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। तो आज मैं ये देखें, ये नेट लगाने लगा इनके ऊपर, ये आम सा नेट है, ये ना वो है जो कूलर की उस पर नहीं डालते, जिसके अंदर घास बंधे हुए पड़े होते हैं, तो उसके ऊपर ये लगता है, तो ये उसी के साइज़ का होता है। तो ये देखें, तो ये मैं दो मिला रहा हूँ आपस में, और नहीं पूरा रोल मिलता है, एक ना सस्ता मिलता है। पहले तो मैंने बहुत पहले लिया था, 800 का मिला था, बहुत सारा था उसमें, तो अब पता नहीं कितने का है। तो यही मैं दोनों को मिला के इसके ऊपर दे दूंगा ऐसे। तो चले मैं इसको मिलाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने सी लिया है, ये मैंने किसे सी है, मेरे पास सुई तो थी नहीं, तो मैंने टहनी ली, टहनी के पीछे धागा बांधा और ऐसे घुमाता आया, तो ये सिल गया है। तो मैं इसको ऊपर डालूंगा अपनी ग्रेप वाइन के, तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने फुली कवर कर दिया, अब ये कहीं से भी ओपन नहीं है। बस मुझे इनको हार्वेस्ट करने में थोड़ी सी वो होगी, मुश्किल होगी, और थोड़ा सा फंगस का भी डर रह सकता है, क्योंकि ये पैक हो गए हैं, पहले फुल हवा में थे। तो लेकिन मैंने ऐसे रखा है कि लेकिन नीचे खुली हवा का गुजर बना रहे, कुछ पत्ते भी मैंने काट दिए हैं ताकि ना गुच्छे ब्लॉक ना हो। तो यही एक वे था इसको प्रोटेक्ट करने का। ये देखिए, ये पूरी मैंने कवर कर दी, ऊपर नीचे से कवर आई। तो अब ये बर्ड से कम बच जाएगी, और ये ऐसी वाइन है नहीं कि जिससे फंगस लगे, और ये है भी बिल्कुल सेंटर में, तो बिल्कुल हवा के बीच में। ये देखिए, बस यहाँ से मैंने ऊपर रखा हुआ ताकि मैं कुछ हार्वेस्ट कर सकूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुखाने भी नहीं होते। ये देखिए, अभी थोड़ा कच्चा है यहाँ से ना, जब यहाँ से वो हो जाएगा ना पूरा, तो फिर ये बहुत मीठा होगा, अभी भी बहुत अच्छा है, मैं इसको खाता रहता हूँ तोड़ तोड़ के ना। तो इसमें चार सीड होते हैं, ये देखिए, ये सारे कवर। अब ये देखिए, यहाँ पे एक पत्ता ना टेढ़ा हो रहा है, तो मैं इन पत्तों का भी काट दूंगा। तो दोस्तों, यही थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।